जय श्री राम, जय पुरुषराम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय बिहार। कैसे हैं आप लोग? मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे पिछले वीडियोस में, जिसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे इसका रिप्लाई देना चाहिए, और किसी की रिप्लाई दे पाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि मेरे पास हजारों में कमेंट्स आते हैं। ठीक है, जो मेरे पास एक फ्रीक्वेंट मैसेजेस आ रहे हैं, जो कमेंट्स आ रहे हैं, सीबीआई इंक्वायरी हो सुशांत सिंह राजपूत के केस में, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत एंड सीबीआई इंक्वायरी फॉर सुशांत सिंह राजपूत एंड ऑल दैट। ठीक है, तो मैं आप लोगों से एक बात बता दूं कि कोई भी जांच हो चाहे कोई भी जस्टिस हो, वो एक दिन में नहीं मिलता है। ठीक है, ये इंडिया है, ठीक है, वी आर इन इंडिया। और हम लोग अगर पास्ट में जाएं और पास्ट में सारी बातें देखें, तो इंडिया में क्या है, कैसे है, हर किसी को मालूम है। ठीक है, और चलो मैं आपको कुछ बात बताने वाला हूं आज, जो आप लोगों को लगेगा कि हाँ, शायद ये बात बिल्कुल सही है, और कहीं भी किसी भी जगह पे 1% भी ये बात गलत नहीं है। मैं आज सवाल उठा रहा हूं गवर्नमेंट पे, इंडियन गवर्नमेंट पे। हम ऐसे गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी, जो शायद खुद का अपना प्रोटेक्शन नहीं कर सकती है, जो खुद अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है। और हमें मालूम भी है कि हम एक्सपेक्ट कर भी रहे हैं तो शायद हमें मिले भी न्याय, ना भी मिले। ठीक है, अगर हमें जस्टिस पे भरोसा है तो वो बस एक चीज को लेकर के, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो जुडिशरी ऑफ इंडिया, जो हमारा जुडिक्शन है, उस पे बस बिलीफ है। उसके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि यस, वी कैन गेट जस्टिस। लेकिन अगर हम ये कहें कि हमारे लिए कोई गवर्नमेंट ऐसे कर सकती है, वैसे कर सकती है, ये कर देगी, वो कर देगी, तो मुझे लगता है कि इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, एंड वी डोंट हैव टू फोकस अवर दोज थिंग्स कि मुझे सीबीआई इंक्वायरी के लिए अप्रूवल मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये लोग इतनी आसानी से सीबीआई इंक्वायरी के लिए अप्रूवल देंगे। ठीक है, चाहे जितने भी नेता लगे हुए हैं, मैंने भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि हाँ, ये अप्रूवल है, मतलब ये अभी तक अपडेट है, ऐसा अपडेट है, वैसा अपडेट है। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा था कि यार, मैं खबर देने के लिए नहीं बना, मैं खबरीलाल नहीं हूं। ठीक है, तो मैं खबर देने के लिए आपको नहीं बना कि भाई मैं आपको खबर बताऊं कि कहां कहां पर अभी क्या क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे लगता था कभी कभी कि हाँ, मेरी ये जिम्मेवारी बनती है कि मेरे साथ कुछ सब्सक्राइबर्स मेरे जुड़े हुए हैं, तो उनको, जिन्हें नहीं मालूम है, उनको ये मालूम चले कि हाँ, आज के डेट में सुशांत सिंह राजपूत केस में क्या अपडेट है। तो इसको लेकर के मैं आप लोगों को जानकारियां देना चाहता था। ठीक है, और मैं आगे भी पॉसिबल, अगर मेरे से होगा तो मैं आपको दूंगा। मेरे माइंड में एक बात आई आप लोगों से, मैंने सोचा कि शेयर करूं कि अभी मैं बिहार से हूं और मुझे मालूम है कि बिहार में अभी हालात क्या है। और एक बात है कि बिहारवासी अभी किस चीज से झेल रहे हैं, बिहार की जनता किस चीज से झेल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तो बात ही हटा दो, मैं बिहार गवर्नमेंट की ही बात कर देता हूं पहले। ठीक है, बिहार गवर्नमेंट यहां की जो जनता है उसके लिए क्या कर रही है। और जब सवाल उठता है कि सुशांत सिंह राजपूत, तो सुशांत सिंह राजपूत बिहार का था, उसके पेरेंट्स भी यहीं रहते हैं। ठीक है, लेकिन बुनियादी बात यह है कि केवल सुशांत सिंह राजपूत का जन्म होना पटना में, और उसके बाद अगर वो पढ़ाई के लिए दिल्ली निकल गया, उसके बाद फिर आज पिछले 10 साल से वो मुंबई रह रहा था। ठीक है, तो सोचने वाली यह है बात कि जब बिहार सरकार, बिहार गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी मैं बात नहीं कर रहा हूं, उसकी भी मैं बात करूंगा। ठीक है, बिहार गवर्नमेंट जब बिहार में रह रहे जनता के साथ न्याय नहीं कर पा रही, जबकि यहां पे गठबंधन की सरकार है, बीजेपी, जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का यहां पे सरकार है। ठीक है, इन दोनों के रहते हुए जब बिहार में कोई भी एक ढंग का काम नहीं हो रहा है, कोरोना वायरस, ठीक है, आप लोगों को जिनको नहीं मालूम होगा, मैं आपको आज के डेट में बिहार की स्थिति बता दे रहा हूं कि बिहार में अभी चल क्या रहा है। ठीक है, बिहार में इतनी तेजी से कोरोना वायरस अभी स्प्रेड कर चुका है कि कम्युनिटी स्प्रेडिंग का रूप ले लिया है वो। ठीक है, और हर एक सोसाइटी में ये इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं, यहाँ की सारी चीजें ठप हो गई हैं, हर चीज, हर एक गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी फैसिलिटीज हो, हर तरह की चीजों को ठप कर दिया गया है। ठीक है, आप बोलोगे ये चीज आप कैसे बोल सकते हो, मैं कैसे इस चीज को मान लूं। ठीक है, तो पहले तो न्यूज में बहुत सारी बातें चल रही है, आई पर्सनली डोंट हैव अ सिंगल परसेंट ऑफ बिलीफ ऑन न्यूज। ठीक है, क्योंकि ऐसे हम कहते हैं कि इट इज अ फोर पिलर ऑफ आवर कंट्री, लेकिन भाई इनका जो रोल है ना आज के डेट में, खेल है इसका। ठीक है, और ये इस पे चले गए। ठीक है, अब देखो एक ये तस्वीर है आपके सामने, ठीक है, कि पटना एम्स में एक वाइफ अपने हस्बैंड को, जबकि वो रिटायर्ड अधिकारी थे, ठीक है, उनकी हालात आप देख सकते हो कोरोना वायरस को लेकर के, उनकी हालात अभी कैसी है, क्या है। ठीक है, वो फर्श पे लेटे हुए हैं, एम्स में जगह रहते हुए भी उनको एडमिट नहीं लिया जा रहा है, कोरोना वायरस पॉजिटिव ये पेशेंट है, और ये एक एक्स अधिकारी रह चुके हैं। ठीक है, और उनकी वाइफ अपने हस्बैंड को लेके आए और यहाँ पे एडमिट तक नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, ये एम्स की कहानी है। ठीक है, एम्स की कहानी इतनी नहीं है, और मैं दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, बहुत सारी मेरे पास ऐसी तस्वीर है जिनको देख करके आपको लगे कि हाँ, देखो यहाँ पर, देखो पीपी टिकट पहने हुए कुछ डॉक्टर्स हैं, यहाँ पे
पेशेंट्स लोग हैं खरे, ठीक है। साफ लिखा हुआ हैशटैग देखिए पटना एम्स का पूरा सच, हॉस्पिटल के बाहर कोरोना मरीज हैशटैग पड़े हुए हैं, हॉस्पिटल के अंदर बेड खाली है पर मरीजों को एडमिट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब तरह का स्थिति है बिहार में। यहाँ पे गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की, जेडीयू की, ठीक है। और मैं दिखाता हूं, ये सब होने के बावजूद, ठीक है, बेशर्म की तरह बीजेपी के लीडर जाते हैं वोट मांगने के लिए, ठीक है। ये मैं कल की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। बीजेपी के दिघा विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया को जनता ने धुतकारा, यह सिलसिला चुनाव तक चलते रहना चाहिए, ठीक है। ये अब एक एक जनता, बिहार की जनता कर रही है। रीजन क्यों मालूम है? क्यों? जिस जमीनी स्तर पर सरकार को काम करनी चाहिए ना, वो काम नहीं कर रहे, ठीक है। जब आम आदमी के साथ कोई भी एक न्याय नहीं हो रहा है, उनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, तो आप ये बात सोच के देखो कि सुशांत सिंह राजपूत जो बिहार का लाल है, सन ऑफ बिहार है, वो उसका जन्म हुआ है बेशक बिहार में, लेकिन वो तो पिछले 10 सालों से बिहार में था ही नहीं, उसके लिए गवर्नमेंट क्यों खड़ी होगी, ठीक है। तो ये सच्चाई है। आप लोग बोलते हो ना कि जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, जस्टिस ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, सन ऑफ बिहार, ऑब्वियसली है, एंड वी गाइज आर सपोर्टिंग आवर ब्रदर, ठीक है। लेकिन यहां पर जो सच्चाई है ना, वो आप लोगों के सामने है, ठीक है। और आप एक्सपेक्ट कर लेना कि हाँ, क्या सुशांत सिंह राजपूत को ऐसे सरकार में सीबीआई इंक्वायरी के लिए अप्रूवल अगर मालूम मिल भी जाता है, तो क्या सीबीआई इंक्वायरी से उसको जस्टिस मिल पाएगा? नहीं। वी हैव ओनली एन ऑप्शन कि हम लोग एक साथ आए, एक साथ जुड़ करके आए, हमें अगर जस्टिस मिलेगा तो सिर्फ कोर्ट से मिलेगा। कोई गवर्नमेंट कुछ भी किसी तरह का अगर अप्रूवल दे भी देती है सीबीआई की ना, तो जरूरी नहीं है कि उसमें एक सच्चाई, एक तरीके से जांच होगी, ठीक है। क्योंकि आज का सरकार कैसा है, आज की गवर्नमेंट कैसी है, आप लोगों के सामने है, ठीक है। कुछ दिन पहले जब मैंने वीडियो बनाया था, उसमें एक आपको दिखाया था एनएमसीएच में क्या है कि डेड बॉडी पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बगल में कोरोना पेशेंट का जांच हो रहा है, किट नहीं है जांच करने के लिए, नर्सेस बोलती है कि मेरे पास किट नहीं है जांच करने के लिए, मैं जांच नहीं करूंगी। फिर वहां पर जो पेशेंट है ना, वो पेशेंट जाकर के क्या कर रहे हैं, दूसरे वाले पेशेंट को ऑक्सीजन लगा रहे हैं, तब जाकर के वो इंसान स्टैंड कर रहा है, और उसके बगल में जस्ट बॉडी पड़ा हुआ है, जो डेड बॉडी पड़ा हुआ है, कोरोना पॉजिटिव से जो मरा है, ठीक है। तो ये सच्चाई है, और ये सच्चाई हमारी गवर्नमेंट की। हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट से? कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। किसी को बिना काम के, बिना वजह के वोट मत देना इस बार, ठीक है। हमारे बिहार में बताता हूं, मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। जेडीयू भी काम कर रही है, बीजेपी काम कर रही है, इनका ऑपोजिशन में कौन है? कांग्रेस है। इनका ऑपोजिशन में कौन है? आरजेडी है। इनका ऑपोजिशन में कौन है? जाप है। इनके ऑपोजिशन में नए नई पार्टी आ गए हैं, जैसे कि प्रशांत किशोर की पीके की पार्टी, ठीक है। अब इनके ऑपोजिशन में एक और जो है कौन सा आ गया है? प्लूरल्स। भाई प्लूरल्स, सवाल है पुष्पम प्रिया चौधरी जी आपसे, आप हमें मालूम है कि आप बोलोगे कि हमारा मैथिली हो है, आप बोलोगे कि हमारा के भोजपुरिया होता, आप बोलोगे कि हमें इंग्लिश भी आती है, आई बेटर नो हाउ टू एक्सप्रेस द थिंग्स, ठीक है। आप बोलोगे कि हमें हिंदी भी आती है, क्योंकि आप जमीनी स्तर से बिहार से जुड़े हुए हो, उसके बाद आप बिहार से बाहर गए और लंदन में पढ़ाई किए, जो कुछ भी किए, ठीक है। तो आपसे आप क्योंकि पर्सनली बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो अहां से एकटा एक पर्सनल अनुरोध है हमारे, अहाँ के की लग रहा है, जतेक अहाँ अपन एक फेसबुक पेज बना रहा छी, ओहि पर जे प्रमोशन्स कर रहा छी, अपन जे वेब पेज बनेने छी ओहि पर जे प्रमोशन्स कर रहा छी, सब तरह के फोटोग्राफ जे डाल रहा छी ओहि पर, और लोग के देखा रहा छी कि एहि तरह के एखन सिनारी अछि बिहार के, एतय बंदे ई, ओतय बंदे ई, खलिहान बंदे आ एतय के खर बंदे आ एतय के पहाड़ एहन अछि, अहाँ के किछु बताबे के जरूरत नहीं, हमरा सबके सब किछु पता अछि, ठीक ने, कि की बंद छै आइ के डेट में, किछु नहि की नहि बंद छै। अहाँ की करय एलहुँ हँ एतय? अहाँ एतय की करय एलहुँ हँ? आप लोग बहुत, किसी को ये मैथिली भाषा नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये मिथिलांचल का भाषा है, ठीक है। हम मैथिल ब्राह्मण है और हम मिथिलांचल से बिलोंग करते हैं, और ये मैथिली में हमने बोला है पुष्पम प्रिया चौधरी को पर्सनली ये मैसेज, कि अगर आप कुछ करना चाहते हो बिहार में, कुछ चेंजेस लाना चाहते हो ना, तो ये पब्लिसिटी ऐसे नहीं, आप जमीनी स्तर पर ना, आज की डेट में जो बाढ़ आया है, आज की डेट में जो कोरोना ग्रसित लोग हैं, उनके लिए कुछ करके दिखाओ। आप जब स्टार्टिंग में जब लंदन में थे ना, उस टाइम में क्या किया आपने? एडवर्टाइजमेंट डाला। क्या डाला? पुष्पम प्रिया चौधरी एज अ सीएम ऑफ बिहार, सीएम कैंडिडेट ऑफ बिहार, राइट। आपने इसके ऊपर, जहां तक न्यूज में आया, जहां तक हमें मालूम चला, कि आपने 50 लाख रुपए खर्च किए एडवर्टीजमेंट के ऊपर, आपने 50 लाख रुपए खर्च किए किस बात के लिए? कि आपको लोग जाने कि देयर इज समवन हु इज ट्राइंग टू बिकम अ सीएम ऑफ बिहार एंड शी इज एलिजिबल कैंडिडेट फॉर सीएम। ये आपने प्रमोशन डाला अपने लिए, आपके पास बहुत पैसे होंगे भाई, आपने डाल दिया, ठीक है। हम लोग तो आम आदमी है, ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन मेरा एक आप कहना आपसे कि आप जितने पैसे उस पे खर्च किए, अगर आप जमीनी स्तर पर जाकर के किसी का हेल्प कर देते, एक गरीब को देख लेते, हर तरह के परेशानियों को देख लेते, वहां पर आप मदद कर देते ऑन द स्पॉट खड़े होकर के ना, तब हमें मालूम चलता कि हाँ, देयर इज समवन हु डिजर्व्स टू बी अ कैंडिडेट ऑफ सीएम,
ठीक है, इन बिहार, ठीक है। और जहां तक बात हुई जेडीयू की, जहां तक बात हुई बीजेपी की, जहां तक बात हुई आरजेडी की, भैया आरजेडी के जो तेजस्वी यादव जी हैं, आपके लिए भी मेरे पास मैसेज है कि अगर आप ट्वीट कर रहे हो कि यहां पर बिहार में इलेक्शन ना हो, तो आप बेशक सही हो, इलेक्शन ना हो कि भाई लास्ट के डेट पे इलेक्शन ना हो, ठीक है। लेकिन आपसे भी मेरा ये कहना है कि केवल इतना आप भी ना करो। अगर आप मान लो कि इलेक्शन में मान लो कि आज सीएम बन जाते हो, हम चाहते हैं कि अगर आप युवा हो, अगर आप कुछ कर सकते हो तो आप भी सीएम बन जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको सीएम कैंडिडेट के लिए आपको लगता है कि यू डिजर्व टू बी अ सीएम ऑफ बिहार, देन आप आज के डेट में ग्राउंड लेवल पे क्या काम कर रहे हो, ट्वीट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आप एक बार गए थे गोपालगंज वहां पर कोरोना के टाइम में, ठीक है, और उस टाइम आपने क्या थीसिस दिया था कि हम तो भाई गोपालगंज जा रहे हैं वहां पर कोरोना है फिर भी। और आज क्या कर रहे हो आप, कोरोना से जितने भी लोग ग्रसित हो रहे हैं, कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है कोरोना को लेकर के, तो आप लोग सारे घर में बैठे हुए हो और वहां से ट्वीट कर रहे हो कि अभी सरकार कुछ नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, हमें तो किसी सरकार से मतलब ही नहीं है। आप क्या कर रहे हो ये बताओ, आम जनता आप लोगों के चक्कर में घिसती जा रही है। आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको लोग वोट दे, आम जनता आपको वोट दे, आम जनता आपसे गुहार लगाए किसी चीज के लिए, आम जनता अगर प्रॉब्लम में है तो आम जनता आपके पास आकर के भीख मांगे, अगर आम जनता का मर्डर हो जा रहा है आपके पास आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, किसी तरह की बात आ रहा है, तो आप लोग एक दिन बोलते हो, 10 दिन चुप रहते हो, क्योंकि यही तो हो रहा है सोसाइटी में, कोई तो आवाज उठाएगा नहीं। हम जनता तो अनपढ़ गवार बैठे हुए हैं, क्योंकि हम लोग को का मतलब क्या था, जाओ जाके वोट गिराओ, वोट मिल गया सरकार बन गई, मतलब खत्म, कमाना खाना तो खुद से है, पैसे तो हमें आगे सरकार दे नहीं रही है, ठीक है। तो आप लोगों को किसी के जस्टिस से भी कोई मतलब नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के लिए आज इतने सारे फैन बैठे हुए हैं, आज आप बिहार से कितने नेतागण आप लोग सपोर्ट में, ये बताओ, शर्म करो, शर्म। इफ यू कैन नॉट डू एनीथिंग, डू नॉट एवर ट्राई टू प्रॉमिस एनी पर्सन एंड डू नॉट एवर ट्राई टू इंटरफेयर इन एनी सिचुएशंस। और आप लोगों का ना ये दिखावटी चेहरा, आप लोगों का जो दिखावटी चेहरा है ना, खत्म, हमें नहीं मतलब है। और इस बार ना एक एक जनता से मेरा ये अनुरोध है, मेरा एक रिक्वेस्ट और ये ऑर्डर समझ लो, जो समझना समझ लो, ठीक है, ये आम जनता का दर्द है, चाहे कुछ भी इस चीज को समझ लो, ठीक है, कि इस बार आप लोगों को जा करके ना ऐसा तमाचा मारना है बैलेट पे, जितने भी नेता जन है ना उन्हें मालूम चल जाए कि जनता जाग चुकी है और ये आत्मनिर्भर भारत है, ठीक है, और आत्मनिर्भर भारत आप लोगों ने बनाया है, और ठीक है, और हम जनता है ना आत्मनिर्भर है, हम खुश है, हम जिए मरे जैसे भी रहे हम खुश है, वी डोंट वॉन्ट काइंड ऑफ एनी सपोर्ट फ्रॉम यू गाइज, ठीक है। और अगर आपको सीबीआई इंक्वायरी करवानी है करवाओ, नहीं करवानी है मत करवाओ। हाँ भाई, जितने भी यूट्यूब मेरे ये वीडियो देख रहे हो ना, आप सारे इस वीडियो को स्प्रेड कर दो, ठीक है, मैं इसके कम्युनिटी गाइडलाइंस में कोई मैं स्ट्राइक नहीं दूंगा आप लोगों को, ठीक है, आप लोग सारे इस वीडियो को शेयर करो, और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो ना पूरे इंडिया में फैले, पूरे हर जगह फैले, पूरे बिहार, पूरे इंडिया, पूरे कम्युनिटी हर जगह फैले, ठीक है, ताकि लोगों को मालूम चले कि आज के डेट में सरकार क्या कर रही है हमारे लिए, क्या कर रही है, नहीं कर रही है, ठीक है, कुछ नहीं है, जीरो है सब कुछ, जीरो बटा सन्नाटा है, ठीक है, जो करना है ना आपने करना है, जो करना है हमने करना है, ठीक है। जय श्री राम, जय पुरुषराम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय बिहार।